सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर FBH चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है 100 टेक्निकल टर्म विच ए सिविल इंजीनियर मस्ट नो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 100 टेक्निकल टर्म जो हर एक साइट इंजीनियर को या फिर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाई हुई है जिसमें हमने 16 टर्म डिस्कस की है। आज हम 17th टर्म से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप वहां से चेक कर सकती हैं। तो आज आ जाते हैं 17th पॉइंट पे। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में हम जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 15% ऑफ ड्राई वेट होता है। 18th पॉइंट है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज 30 मिनट्स। तो 18th पॉइंट है हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स का। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट्स का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स का होता है या फिर 600 मिनट्स का होता है हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम। लेकिन ये जो होता है ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC के लिए। इसके बाद आते जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 20th पॉइंट है, व्हाट इज DPR। DPR पूछा जाता है, DPR क्या होता है। DPR होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया हुआ होता है कॉस्ट, मेंशन किया होता है हर एक चीज मेंशन की होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है 21th पॉइंट, यूनिट वेट। डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूनिट वेट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल RCC के लिए हमारा यूनिट वेट जो होता है 25 kN/m³ या फिर 25,000 N/m³। ऐसे ही RCC तो आपको पता ही होगा, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हमारे पास रीइंफोर्समेंट लगा होता है जिस रीइंफोर्समेंट में। PCC होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें रीइंफोर्समेंट नहीं लगा होता है, उसका जो यूनिट वेट होता है वो होता है 24 kN/m³ या फिर 24,000 N/m³। ऐसे ही जो स्टील होता है, स्टील का यूनिट वेट जो होता है 7850 kg/m³, 7850 kg/m³। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही आ जाते हैं 22nd पॉइंट, एक गैलन होता है 3.78 लीटर्स। एक गैलन होता है 3.78 लीटर्स। ये आपको जब आपको पैंट का जो है कैलकुलेशन करना होता है कि एक वाल में कितना पैंट लग सकता है, उस जगह पर ये चीजें यूज होती है कि एक गैलन होता है 3.78 लीटर्स। तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं फॉर स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम। हमारे पास अगर कॉलम है स्क्वायर शेप का या फिर रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं 4 बार्स। कम से कम हमें 4 reinforcement bars प्रोवाइड करने होते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम में। ऐसे ही होता है हमारे पास फॉर सर्क्यूलर कॉलम। अगर हमारे पास सर्क्यूलर कॉलम है तो उसमें कम से कम हमें 6 बार्स प्रोवाइड करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 24th, स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज ऑब्टेनड फ्रॉम। स्टैंडर्ड सैंड कहां पर इंडिया में ऑब्टेन किया जाता है, तो जगह का नाम है इन्नोर। इन्नोर जगह का नाम है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहां से हम स्टैंडर्ड सैंड मिल जाता है जिस पे हम टेस्ट वगैरह करते हैं। ये आपको जगह का नाम याद रखना है, इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे 25th पॉइंट जो होता है 1 yard इज इक्वल टू 3 feet। एक यार्ड जो होता है वो 3 feet के इक्वल होता है। ऐसे ही आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 26th पॉइंट, वेट ऑफ स्टील। अगर हमें वेट ऑफ स्टील निकालना है डिफरेंट डायमीटर के बार्स के लिए, तो वो होता है D² / 162.2 kg/m। एक मीटर में इतने kg होता है हमारे पास स्टील का वेट। D होता है
डायमीटर ऑफ द स्टील, हम डिफरेंट डायमीटर ऑफ स्टील्स के लिए निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना वेट होता है इस फॉर्मूले से। यहां पर अगर 8 mm डायमीटर का लगाना है तो 8² / 162.2, ऐसे ही 10 का लगाना है तो 10² / 162.2, तो आ जाएगा कि 1 मीटर में कितना वेट होता है। ऐसे ही अगर आपको केजी पर फीट निकालना है, 1 फीट में कितना केजी होगा, तो उसके लिए फार्मूला है D² / 533। तो ये हो गया हमारा वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इसके बारे में और 2-4 वीडियोस बनेंगी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप चेक कर लेना।